गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। मैं आप सबकी शालिमा और आप सब सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मुकद्दर का सिकंदर। और आप सबको प्रवेश पाठ नहीं दूंगी, जाके पीछे सुनना पड़ेगा उसके लिए। और अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आगे स्टोरी में होगा क्या या होता है क्या। जो हमारी अब जो सान्या होती हैं वो आती हैं और घर वाले जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो कंगना कंगना चिल्लाती हैं, कंगना कंगना कहाँ हो तुम? तो जब वो कंगना नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए जब आती है, तो जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही होती है तो कहती है कि क्या हो गया सान्या, सब ठीक तो है, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहती है कि हाँ तो हम बात कर सकते हैं ना, पहले एक बार फ्रेश तो हो लो। तो हमारी जो शाने होती है कहती है कि नहीं, मुझे फ्रेश अभी नहीं होना, मुझे अभी बस तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कंगना बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं सुन रही हूँ, अगर फ्रेश हो लोगे, नाश्ता कर लोगे, उसके बाद भी बोलोगे तो मैं सुनूंगी ही। तब तक पूरे घर वाले जो होते हैं, मतलब यशी जी, वर्धन जी, आशीष जो सीमा होती हैं, जो संध्या जी होती हैं, शाश्वत जी, अंशु, अंश और मनीषा, ये सब लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं हॉल में। कहती है जो हमारी शान्या होती है, कंगना मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि अब जब सब घर वालों के सामने ये बात आ चुकी है, तो जब तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने हुई थी तो तुम्हारी इज्जत भी सबके सामने होनी चाहिए और मुझे माफ़ी भी सबके सामने मांगनी चाहिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सान्या अपने घुटनों पे आके हाथ जोड़ के कंगना के सामने खड़ी हो जाती हैं और बैठ जाती हैं और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया आज तक तुम्हारे साथ, जो भी नाइंसाफी की, जो भी मैंने तुम्हारे साथ जो बदसलूकी की, जो तुम्हें बर्दाश्त असहनीय तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तुमसे जितना बार माफ़ी मांगू वो कम है। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस नफ़रत के आग में जल रही हूँ वो शायद तुमने तो वो किया ही नहीं था। मैंने उस गलती की सज़ा तुम्हें दी जो तुमने गलती की ही नहीं थी। तुम्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। तुमसे मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ कंगना। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ, तो एक वक्त आएगा ऐसा भी कि मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, अपने किए पे मैं पछतावा मुझे करना पड़ेगा। जब ये बोल रही होती हैं तो जो हमारी कंगना होती हैं वो उनको आगे बढ़ती हैं और उनके शोल्डर से उनको उठा के कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कर सान्या। जब हमारी कंगना बोल रही होती हैं आप ऐसा करेंगी तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आपने जो भी कुछ किया एक गलत फहमी के उसमें आके किया, अगर मैं भी आपकी जगह पे होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैं आपसे कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी होता है कि आपने गलत किया, आपने सही किया, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सही हो अपने जगह पे, सान्या कंगना बोलती है। वर्धन जी बोलते हैं नहीं बेटा, माफ़ी मांगने दो इसे, जो इसने किया है उसका पछतावा, इसका पश्चाताप ही इसका जो इसके पापों का प्रायश्चित होगा। तो कहते कि नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहती कि सान्या इस तरह दूसरों के सामने अपने घुटने पर बैठ के ऐसे माफ़ी मांगे, और मैं अपनी नज़रों में नहीं चाहती कि सान्या की जो भी इज्जत है कम हो जाए। वो जैसी हैं अच्छी हैं, जिस दौर से गुजर के उन्होंने ये डिसीज़न लिया जो उन्होंने किया, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई उससे बुरा नहीं लगा, मुझे कोई भी बात बुरी उनकी नहीं लगी। वो जो हैं
वो साफ हैं, उनके दिल में जो भी है वो चीज़ें साफ हैं मेरे लिए, और वो बहुत क्लियर है मेरी जिंदगी में कि वो मेरी जिंदगी की ना ही कोई गलती है ना ही मैं उस बात के लिए पछतावा फील कर रही हूँ। जब वो कह रही होती हैं तो हमारी मनीषा जो होती है कहती कि ये तो जब देखो तब नाटक करने में लगी रहती है, अब इसको मौका मिल रहा है तो ये घर से जा नहीं रही है। मनीषा एक सोच रही होती है कि थोड़ा सा और आग लगाने की जरूरत है। वो अंश को जाके बोलती है मनीषा कि देख रहे हो अपनी बहन के नाटक, कैसे नाटक सबके सामने किए जा रही है अच्छा बनने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन दूसरों को अपनी तरफ करने के लिए ये सारी नाटक ही रही कर रहे जा रही होती है या कर रही है? तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। वो बस इतनी ही बोलने की देरी होती है, जैसे ही वो बोलती है हमारा अंश जो होता है कहता है कि दी बस करो, ये नाटक करने से ना आपके जो किए हुए पाप जो है ना धुल नहीं जाएंगे, आपने ये जो सारी चीजें की हैं जो ये ऐसे अपने जिंदगी को उलझा कर रखा है वो सुलझ नहीं जाएगा आपके ये मगरमच्छ के आंसू से। तो जो हमारी कंगना होती है कहती है कि अंश तुम बड़े नहीं हो, सानिया बड़ी हैं और उनको बोलने का अधिकार है, उनको जो दिल में आए वो करने का अधिकार है, वो उन्होंने मेरे साथ किया है, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि तुम जितना शांत रहोगे उसमें उतनी ही तुम्हें भलाई होगी। तो हमारी शान्या बोलती है नहीं कंगना, अंश सही बोल रहा है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही ज्यादती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, मैंने तकलीफ पहुंचाने के लिए मैंने क्या नहीं किया कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें पछतावा हो, तुम्हें दुख हो, तुम्हारे दुख पे मैं खुश होती रही, मुझे ऐसा नहीं करना था मगर फिर भी मैं करती रही, तुम्हें मैंने अपना बनाना तो दूर मैंने तुम्हें एक इंसान तक नहीं समझा। कंगना अगर तुम जाना चाहो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हें मैं जाने से नहीं रोकूंगी, तुमको रोकने वाली मैं होती भी नहीं हूं। हमारे बीच जो रिश्ता था वो रिश्ता बस इस वजह से टिका हुआ था क्योंकि तुम उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस रिश्ते को जब तुमने दिल से अपनाया होता, तुम्हें जब तुम्हारी मर्जी से रिश्ते को दिया गया होता तो ये शायद हो सकता था कि तुम मुझे या मेरी फैमिली को इस तरह से और यूं इस तरह नहीं अपनाती मजबूर होके। अगर तुमने अपनी रिश्ते को अगर मजबूरी में जोड़ा है मुझसे तो मैं उस सारे बंधन उस सारे रिश्ते उस सारे नातों से तुम्हें आज़ाद करती हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हो तो ये ईशान्या यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल ये तुम्हें कभी रोकेगी नहीं, और अगर तुम चाहती हो कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगी। तुम्हें इस रिश्ते में इस तरह से बंध के किसी के दबाव में किसी के कहने के पर किसी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें इस रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार है, मैं उस अधिकार को तुम्हें छीन नहीं सकती, और तुम अपनी ज़िंदगी में किसको चाहती हो किसको रखना चाहती हो किसको बाहर निकालना चाहती हो किस तरीके से जीना चाहती हो वो सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, और तुम जो भी फैसला लोगी मैं उस फैसले का इज्जत करते हुए बाकायदा सम्मान करते हुए इस परिवार में अगर रहना चाहती हो तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं बाइज्जत तुम्हें अब तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी। जब ये बोलती हैं जो हमारी सानिया होती हैं वो बहुत सहजता के साथ अपनी बातों को रखती हैं,
उस वक्त ना वो गुस्से में होती हैं ना ही खुश होती हैं, वो अपने बस दिल की बात सुन रही होती हैं। जब सानिया जब ये कह रही होती हैं, उनके दिल में कहीं एक चोट सी पहुंच रही होती है। वो कहीं ना कहीं कंगना को प्यार तो बेहद करती हैं, मगर उस प्यार का एहसास फिर से एक बार जगा होता है। अब इस प्यार का एहसास इस तरह से जगा होता है कि अब वो उनको ना पास रख पा रही होती है ना ही उनको छोड़ पा रही होती है, मगर इस तरह से अपने भाई की नफरत भी वो झेल नहीं पा रही होती है, क्योंकि एक गलत फहमी ने उनकी इस कदम ने घर वालों के नज़र में उनको इस तरह से बुरा बनाया होता है कि वो बार 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 वो उनकी नज़रों में बुरा बनते चली जा रही होती हैं। घर वाले उनके खिलाफ नहीं होते, मगर उनके कुछ चंद कदम जो होते हैं उनके खिलाफ कर दिए होते हैं। घर वाले जो होते हैं उनसे प्यार तो करते हैं, मगर अपना प्यार जताने के लिए समझाने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। खैर, हमारी जो सान्या होती हैं उनकी भी कोई गलती नहीं होती, और जिस तरीके से जिस हालात में होती हैं उस हालात को मद्देनजर रखते हुए उनकी ये सारी चीज़ें जो हुई होती हैं वो कर चुकी होती हैं, और उनमें उनको ये लगता है कि शायद कंगना से शादी होगी तो उनके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने भाई अपने परिवार को बचाने के लिए जो उन्होंने ये किया होता है वो सिर्फ वो समझ पा रही होती है, वो किसी को समझा नहीं पा रही होती है। कंगना जब ऐसा बोल रही होती है कंगना को, तो कंगना बस चुपचाप सुने जा रही होती है, और जब उनको कहती है कि दरवाजा खुला है कंगना और तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, वो इंतजार कर रही होती है कंगना के शब्दों का, कंगना की कुछ कहे कुछ तो कहे। वो उनका दिल बेकरारी से उनके शब्दों को सुनने का समझने का इंतजार कर रहा होता है। उनके प्यार उनका उनका एहसास कहीं ना कहीं उनको कह रहा होता है कि नहीं कंगना नहीं जाएगी, मगर इस तरह से वो मजबूर करके कंगना को अपने जिंदगी में रखने का वो बिल्कुल ही नहीं चाहती हैं। खैर, जब वो नहीं चाहती हैं तो बाकी कोई क्या ही चाहेगा। जब बातें वो बोल रही होती हैं तो कहीं उनके दिल के कहीं कोने में टेस तो उठ ही रही होती है कि काश ये ना जाए, काश ये रुक जाए, काश काश। उनके दिमाग में दिल में वो एक जंग चल रही होती है कि कंगना तुम तो मत जाओ, और एक तरफ ये चल रहा होता है कि कंगना के साथ मैंने जो भी किया वो ज्यादती थी, वो जुल्म था, और मैं इस तरीके से जिससे प्यार करती हूँ उस पे इतना जुल्म तो नहीं कर सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे सुनते हैं या जानते हैं कि हमारी कंगना का क्या फैसला होता है, क्या वो अपना फैसला सुनाएंगी या घर वाले बस चुपचाप देखते रहेंगे, या कुछ और मनीषा उनके जिंदगी में आगे लंका बोती हैं तो वो तो सुनते रहेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। चलिए फिर आगे बताते हैं हमारी कंगना का क्या आंसर होता है। अब कंगना का आंसर जब आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं। कंगना जो होती है वो कहती है कि सान्या, जब कंगना बोल रही होती है, सान्या आप ऐसे मुझे नहीं जाने को कह सकती हैं। ये कौन सी बात हुई भला कि आपका जब दिल आया तो आपने मुझसे शादी कर ली, आपका दिल आया तो आपने मुझे जाने के लिए बोल दिया, आपका दिल हुआ तो आपने प्यार से मुझसे बात कर ली, आपका दिल हुआ तो आपने गुस्से से बात कर ली। ये चीज नहीं होगी, मैं आपके ये सारी चीजें बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहेंगी मैं वो सारी चीजें सुनूंगी। वहां से वो चली जाती है गुस्सा होके, और बाकी घर वाले भी वहां से चले जाते हैं। सानिया जब इस बात को सुनती है कि वो ऐसे बोल गई है तो उसको इस बात का दुख नहीं होता है कि कंगना ने उससे इस तरीके से बात की है, उसको बल्कि खुशी होता है कि वो उसके लाइफ से नहीं गई है। अब वो जैसे ही अंश जा रहा होता था, कहते कि अंश रुको, तो अंश रुकता है और उसके पास चल के जाती है, और हमारी शानिया जो बोलती हैं कि आज के बाद से कभी भी हमारे रिश्ते पे तुमने उंगली उठाई तो तुम्हारी उंगली मैं तोड़ दूंगी, और मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरा भाई है। तू जो वीडियो क्लिप दिखा रहा है, मेरे पास भी एक वीडियो क्लिप है, देखेगा? तुझे
तुझे पता है ना कि मैं तेरी बड़ी बहन हूं और तुझसे ज्यादा दिमाग है मुझ में। जो तू ये कर रहा है ना मनीषा के कहने पे, तो भूल मत कि जिस दुनिया में तू अभी कदम रखा है ना, मैं उस कदम बहुत पहले रख चुकी हूँ उस दुनिया में। मेरे साथ ये सारा माइंड गेम खेलने की कोशिश मत करना। चल मैं आज तेरे को एक वीडियो दिखाती हूँ। वो अपना फोन निकालती है और वो फोन उसको स्टार्ट करके दे देती है। जब वो उसमें वो देख रहा होता है जब खुद को, वो सान्या जो दिखा रही होती है उस वीडियो में, वो कंगना के पैर पकड़ रहा है उसके साथ, जबरदस्ती ही उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा होता है उसको। तो हमारी जो कंगना होती हैं उनको वहां से जाने के लिए बोलती हैं। वो जो वीडियो क्लिप हुआ होता है ना, उसने उस दिन रिकॉर्ड कर लिया होता है और कहती कि तू मेरा भाई है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने नीचे लेवल पे गिरूं, मगर तू जिस लेवल पे गिर चुका है, तुझे ऊपर उठाने के लिए मुझे गिरना पड़ेगा। जब सानिया बोल रही होती है ना, तो उनकी आंखों में ना एक अजीब सी शांति होती है, एक अजीब सा सुकून होता है। सानिया बोलते हैं कि और तुमने कंगना की भी बात सुन ली होगी कि वो इस रिश्ते में जबरदस्ती नहीं है, ना ही मेरी वजह से और ना ही डैड की वजह से। अब तू जो करना है तुझे, तू वो कर सकता है अंश, मगर एक बात लिख ले, वो तुझसे प्यार नहीं करती है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो तुझसे भी नहीं करती है। समझ में आई बात? और आज के बाद कभी भी मेरी बीवी की तरफ गलत नजरों से तूने अपनी आंखें उठाई, ये आंखें बस इसलिए उठनी चाहिए कि ये तेरी भाभी है और तू उसको इज्जत अदब के साथ, भाभी क्या होती है, माँ समान होती है, तो उसमें जब भी तू अपनी नजरें उठाएगा तो उसमें माँ ढूंढेगा, ना कि गर्लफ्रेंड। समझ में आई तुझे बात मेरी? और चल अब तू जा। और मनीषा को एक लुक देती है और वहां से अपना फोन लेती है उसके हाथों से अंश के, और वो सीढ़ियाँ चढ़ के चली जाती है। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही होती है, जैसे दरवाजा अभी खोली नहीं होती है, दरवाजे के बाहर ही होती है, तो इधर हमारी जो कंगना होती हैं वो गुस्से में पैर पटक रही होती है। कहती कि ये कड़वा करेला खुद को समझता क्या है, हाँ जो मन करे आएगा, जब मन करे आएगा, जो भी दिल करेगा, किसी के सामने कुछ भी बोल देगा, हाँ मैं इसकी बातें सुनूंगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और जैसे दरवाजा वो खोलती है वो चुप हो जाती है और वो वहां से अब फिर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सानिया अंदर आती है, सानिया जैसे ही अंदर आती है और जब देखती है कि वो बाहर जा रही है, तो उसको हाथों से रोक लेती है। कहती वेट, कहाँ जा रही हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतना गुस्सा किस बात का कंगना? तो कंगना क्यों, आपका जो दिल आएगा आप कर देंगे, आप कह देंगी और मेरे को बस सुनना है? आप नहीं, आप बता दीजिए, मैं आपके घर की कोई फर्नीचर, कोई सामान हूं? मैं इंसान हूं यार। हाँ यार सुनिए, आपको क्यों नहीं ये बात समझ आती है कि जब कोई एक मेच्योर इंसान होता है, जब कहीं रहता है, कहीं है, तो वो कुछ सोच समझ के है। मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, मेरे को सोच के मैंने काम किया है तो ही मैं हूँ। मुझे कोई यहाँ पे जबरदस्ती फोर्सफुली मुझे आपके साथ कोई नहीं रख सकता है। और हाँ, शुरू में मैंने आपके डैड की वजह से जरूर रुकी थी, मगर अभी यहाँ पे रुकने की रीजन बस मैं ये कहूंगी कि कुछ और है। तो यदि कुछ और है, शाने बोलती हैं, तो हाँ कुछ और है यहाँ रुकने की वजह। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना अंश है और ना ही आप हो, ना ही कोई और है। समझ में आई बात? और आप मुझे यूं ऐसे कहें कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते। वे ये बोल के चली जाती है। शाने जो होती है वो सोचने लगती है कि ये कौन हो सकता है और किस वजह से यहाँ पर रुकी हुई है। जब मैं वजह नहीं हूँ, पिताजी जो उसके डैड होते हैं वो वजह नहीं है, तो किसके वजह से यहाँ पे रुकी हुई है?
इसको मेरे दिल के बारे में तो पता है, वो मेरे मन की बात तो जानती है, बट आज तक मुझे उसके मन की बात आज तक पता नहीं चली। मुझे एक बार इससे बात करनी चाहिए। सानिया फिर से सोचती हैं कि हाँ, वो फिर से एक बार बात करेंगी। जो हमारी कंगना होती हैं, वो जा रही होती हैं और अपने आंचल को अपने हाथों में लपेट के ऐसे फिराते हुए जा रही होती हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी टेंशन होती है। वो समझ नहीं पा रही होती हैं कि वो करे तो करे क्या, ये कैसी दुविधा है, वो कहाँ आके फंस गई हैं। उसी दौरान उनके फोन पे फोन आता है, वो कविता होती हैं। वो कॉल उठाती हैं कंगना और कहती हैं हेलो, हाँ कविता बोल। तो जो कविता होती है, यार मेरे को एक नई बात पता चली है। तो कहती हैं कि क्या, तो कहती हैं कि जो जीजू के डैड का जो एक्सीडेंट करवाने के लिए किया गया था, वो जो आशीष है ना, उसने भी नहीं किया था। तो कहते हैं कि क्या, जो तेरे चाचू है ना, मतलब जो तेरे ससुर जी हैं, जो चचेरे, वो भी नहीं है। तो कहते हैं कि फिर कौन है। तो कहती हैं कि तेरा सुन के तेरा हा मतलब होते ना कि तेरा दिमाग बंद हो जाएगा। तो कहते हैं कि बोल तो सही। तो वो कहती हैं कि राहुल जो है ना, तो कहते हैं हाँ, उसके दादाजी हैं। तो कहते कि व्हाट, राहुल का तो कोई है ही नहीं, वो अकेला है। तो कहते कि नहीं, ये जो तुझे इन्फॉर्मेशन है ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। जो हमारी कंगना कहती है कि मतलब तुझे ये बात कैसे पता चली। तो कही कि तूने जब मुझे बोला था, जो हमारी कविता होती है, जब तूने मुझे बोला था तो मैंने सब कुछ पता कराया था, उसमें एक बात जो छुपी हुई थी जो मुझे आज पता चली, तो मुझे लगा कि तुझे ये बात बतानी चाहिए। वो कहती है कि पर राहुल ने तो ये बात तो सीधे सीधे जो है चाचू की तरफ बातों को मोड़ा है कि चाचू ने ये सारी चीज की। तो कहती है कि ऑब्वियसली यार, वो उसके दादू हैं, तो वो उनके पीछे उनका जो भी राज है वो क्यों खोलेगा। ठीक है, ठीक है। अरे यार, वो बहुत सालों से उसका भरोसेमंद दोस्त रहा है, वो बचपन से साथ रहे हैं, और पता नहीं शानिया मेरी बातों पे भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, कंगना बोल रही होती है। कविता बोलती है कि अब वो भरोसा जीजू करे या ना करे वो मुझे नहीं पता, मगर ये इन्फॉर्मेशन पक्की है और मेरे पास इस बात की प्रूफ भी है। तो कहती है कि प्रूफ, तब तक कविता का फोन कट जाता है। वो हेलो 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 बोले जा रही होती है, जो कंगना होती है, मगर उधर से अचानक से जो कनेक्शन होता है वो कट चुका होता है। वो घबरा जाती है कि ये क्या हुआ। अब वो उसके दिमाग में हजार बातें चल रही होती हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। वो भागते हुए फिर से वापस आती है कमरे में और देखती है कि सानिया बैठ के बेड पे वो सर को पकड़ी हुई है। तो सानिया कहती है, सॉरी कंगना कहती है, सनी। तो कहती है हाँ, क्या हो गया, तुम अभी तो अचानक से गई थी। तो कहती है कि मुझे मुझे ना हेल्प चाहिए। तो कहती है कि किस बात का हेल्प। तो कहती है कि वो कविता को मैंने ना फोन, मेरी बात हो रही थी, अचानक से उसका फोन कट गया और अभी वो कॉल नहीं पिक कर रही है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। तो कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो कहती कि वो मुझे कुछ बता रही थी, कॉन्फिडेंशियल बातें बता रही थी। तो कहती कि जब शाने बोलती है कि कैसी बातें, तो कहती है कि आप पता नहीं इस बात पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, मुझे नहीं पता। पर तो कहती है कि पर क्या बोलोगी, हमारी शाने बोलती हैं। जब कंगना की बात आती है तो कंगना कहती है कि वो आपने बताया था मुझे कि जो भी चीजें हुई थी, जो भी बातें पता चली थी आपको। तो कहते कि इतना टाइम क्यों ले रही हो, सानिया बोलती है, इतना टाइम क्यों जा रहा है कंगना बोलने के लिए, सीधे सीधे डायरेक्ट बोलो ना।
तो कंगना कहती है कि वो आपको डैड के मारने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता चली थी, और राहुल ने बोला था कि आपके चाचू ने मारने का प्लानिंग किया था सारा सब कुछ आपके चाचू की तरफ, बट ये सच नहीं है। तो कहती है क्या? तो फ्रेंड्स अब हम अपन कल सुनेंगे कि क्या हमारी जो सान्या होती है वो भरोसा करेंगी कि नहीं करेंगी हमारी कंगना पे। देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। तो आप सुनना ना भूले, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सुनते रहिए स्टोरी, और बताइए आप सबको कैसा लग रहा है ये स्टोरी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।